बिहार समेत पूरा उत्तर भारत लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग में रंगा हुआ है। आज शाम सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया गया। इसके बाद 11 नवंबर यानी कि कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा का समापन होगा। मालूम हो कि मंगलवार को सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया था। जय बाबा लखनाथ, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दान मनुष्य का परम धर्म है। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार हमारे गंगा सेवा समिति को दान दे सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए दान से ही हम लोग आपके लिए घाट पे लाइट और रास्तों में जो रखे हैं उनकी सफाई या उनके प्रभातियों की व्यवस्था करवाते हैं। आप सभी तमाम श्रद्धालुओं का गंगा श्रृंगार समिति अलगनाथ पाल हार्दिक अभिनंदन करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफ्त टीकाकरण प्रायदिन लोग कर ले चुके हैं, तो दूसरे डोज के लिए अगर आ सकते हैं जो दोनों डोज ले लिए हैं और जिनका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है निश्चित आकर अपना टीकाकरण कराएं। कमलेश कुमार जो कि भुवनेश्वर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा गंगा श्रृंगार समिति को 50 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। आलोक और शिवम नाम के दो बच्चे हैं जिन्होंने समिति को 50 रुपये का दान दिया है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। एक छोटे से नामी से बच्ची है अनु, जो कि अंगरपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 10 रुपये का सहयोग गंगा श्रृंगार समिति को दिया गया है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। श्रद्धालु आ रहे हैं किसी घाट पे नहीं प्रवेश करेंगे। चप्पल को बाहर ही साइड में कहीं पे खोल दें, चप्पल पहनकर घाट पर नहीं जाएंगे। जो भी श्रद्धालु अर्घ दे चुके हैं वो उसे श्रीदेवी का Thank you.
श्री श्री छठ पूजा समिति स्टेशन चौक बार सभी बताओं को सबको हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। सभी बताओं से अनुरोध है कि कृपया अपना पंक्ति में बनाकर चले और अपना साथ होकर चले, किसी बताओ को आने जाने में काफ न। आप धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाते रहे। छठ पूजा समिति स्टेशन चौक बार छठ पूजा समिति की ओर से सभी मताओं का अनुरोध किया जाता है कि कृपया करकर आप एक पंक्ति में होकर चले, एक लाइन एक पंक्ति बनाकर चले और जो भी मताओं दर्शन में कर लिए हैं कृपया करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मोटरसाइकिल चालक से मुझे अनुरोध है, कृपया भाई साहब से है कि कृपया आप लाइन बनाकर चले, अपना लाइन बजाए। सभी चालक से अनुरोध है कि कृपया अपना गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। जो माता दर्शन नहीं किए हो कृपया करके दर्शन करके जाए। वाहन चालक से अनुरोध है कि कृपया गाड़ी को पंडाल के नजदीक से धीरे धीरे बढ़ाते रहे। रोड पर भी भीड़ ना लगा है, जिन पर निवासी कार्य पर गया वो आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे। आप तमाम श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है धीरे धीरे बढ़ते रहे। जिन प्रतिवासियों को सूर्य प्राप्त हो गई हो वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है अनावश्यक भीड़ ना लगाए। आने जाने का रास्ता देते रहे, आने जाने का रास्ता देते रहे। हमारे एनसीसी वालों की टीम की जरूरत है। अनावश्यक भीड़ न लगाएं। आप सभी तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन है जिनका सूर्य के अर्घ की प्राप्ति हो गई हो बढ़ते रहे। अनावश्यक